एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जल जीवन हरियाली नामक प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत नेपाल सीमा पर स्थित किशनगंज जिले में लकड़ी तस्कर गैंग की एंट्री से यहां के जंगलों पर खतरा मंडरा रहा है। ठाकुरगंज प्रखंड के सुखानी थाना क्षेत्र के कादो गांव में हरे भरे जंगलों से रात के अंधेरे में तस्कर अवैध तरीके से बेशकीमती लाल सखुआ वृक्ष उड़ा रहे हैं। लाखों की कीमत वाली सखुआ लकड़ी योजनाबद्ध तरीके से चोर जंगलों से काटकर चुराकर ले जा रहे हैं, जबकि थोड़ी ही दूरी पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSB के जवान और पुलिस चौकी स्थित है। यहाँ पर जो जंगल है, क्या चीज का जंगल है ये? ये साल बगान का जंगल है। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर देखते हैं, दो चार दिन के अंदर कभी कभी जो सुखना साफ गाछ है सब काट लेता है। अच्छा, क्या चीज का गाछ है? क्या चीज का गाछ है सर? साल बगान का गाछ है। अच्छा, क्या कीमत होगा गाछ का? लगभग बहुत दाम, बहुत महंगा है, बहुत दाम है। कितना साल पुराना है कुछ अंदाजा? अंदाजा वो समय तो हम लोग जन्म नहीं हुआ था जिसमें ये गाछ हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ये सब नहीं है क्या? इधर सब है लेकिन कहाँ देखते हैं कुछ। कितना दूरी पर होगा पुलिस चौकी? मुश्किल से हाफ किलोमीटर तो है ही नहीं। अच्छा, दो चार कदम आगे पीछे है। तो यहाँ पर सुनने में आया नेपाल सीमा भी है बगल में। जी जी जी, नेपाल सीमा भी। कितना बगल में होगा? एकदम हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर से कम है। कम में है। तो ये गाछ जो है, कितना गाछ कटा हो अंदाजा है कुछ? ऐसे तो बहुत गाछ कटा है, कम से कम 10-20 तो गाछ पहले से भी कटा है, लेकिन तत्काल अभी 4 गाछ कटा है। कटा है जी। तो आप लोग सूचना नहीं देते हैं पुलिस को गाछ काट रहा है? वो सुना बड़े लोग बोलते हैं, लेकिन इन लोग का कहाँ कोई ध्यान देता है? कोई ध्यान नहीं देता। क्या होना चाहिए इसके लिए? आगे कार्रवाई करना चाहिए जैसा भी हो। वन विभाग के अधिकारी जंगलों से पेड़ों की कटाई को रोकने में अभी तक असफल रहे हैं। क्षेत्र के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल कहते हैं कि जंगलों से पेड़ों की कटाई एक दिन में तो नहीं हुई होगी, ऐसे में विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। उन्होंने कहा कि लकड़ी तस्कर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से सांठ गांठ कर पेड़ों को काट कर मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जंगल है सखुआ का और एक एक गाछ की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए से कम नहीं है, और आज तक अगर इसकी जांच की जाए तो करोड़ों रुपए का जंगल अवैध रूप से कटा, और जो इस 6 महीने या साल भर में जो जंगल कटा है वो ज़्यादा जांच का विशेष यह है, क्योंकि एक कहावत है कि जिस शर्तों से हम लोग, जिसका काम है रखवाली करना सरकारी संपत्ति का, लोगों का, जान माल का रक्षा करना, अगर वही आदमी अगर जंगल कटवाने का काम करे तो वो कहते हैं ना कि जिस सरसों से भूत छुड़ाएंगे उसी सरसों में भूत हो, तो फिर लोग क्या करेगा अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जिला प्रशासन, पुलिस पति अधीक्षक महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाए, इसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। थाना के बगल से गाछ कट रहा, इसमें किन किन की संलिप्तता, मुझे स्पष्ट जानकारी है कि इसमें प्रशासन की संलिप्तता है और प्रशासन के संरक्षण में ये काम हुआ है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और ऐसे पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो। वही ठाकुरगंज के अंचलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद छापेमारी कर गांव के सपन नंदी और इकरामुल के घर से चोरी की लकड़ियां बरामद हुई हैं। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि चोरी की लकड़ियों को बरामद करने के लिए छापेमारी जारी है। 7 बजे के करीब मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पेड़ काट लिए गए हैं सखुआ के, तो मैंने तत्काल रूप से फिर थानाध्यक्ष को इन्फॉर्म किया और वन विभाग को भी इन्फॉर्म किया। उसके बाद मैंने कर्मचारी अमीन द्वारा दिखाया उस जमीन को, जांच कराया, उसके पश्चात ये ज्ञात हुआ कि वह साल बगान है, जो कि सरकार बिहार सरकार की। मेरे द्वारा फिर करीब रात के 10 बजे छापेमारी की गई स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर, वहाँ सपन नली के घर से 4 लकड़ियाँ की सिल्ली एवं विक्रामों के घर से 1 लकड़ी की सिल्ली बरामद हुई, कुल 5 सिल्लियाँ बरामद हुई। इसको बरामद कर थाना में सुरक्षित रखवा दिया गया है एवं जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है प्रोसीजर प्रोसीजर बना के तैयार करके थाना किया है। जितनी लकड़ी काटी गई क्या पूरी बरामद हुई है? पूरी बरामद नहीं हो पाई है, जिन छापेमारी में हमने सिल्ली 5 सिल्लियाँ की, तो थाना में रखवा दिया। वो जमीन क्या अंचल के अंदर आता है? जमीन क्या अंचल की जमीन है? बिहार सरकार की जमीन है। क्या घेराबंदी के लिए भी प्रयास किया जाएगा उसमें? वो देखा जाएगा, वो बात प्रक्रिया है, फिलहाल जो इन्होंने किया है उस पर कार्रवाई।